अभय चंडालिया शेयर समाधान की तरफ से नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आज की एक ज्वलंत समस्या हो गई है। कोरोना के कारण काफी लोगों ने अपनों को खोया है और ये जान करके हैरानी होगी कि उन व्यक्ति के निवेश के कागज की उपलब्धता नहीं होने के कारण, सूचना नहीं होने के कारण वह परिवार दर दर भटक रहा है अपने परिवार के निवेश के पैसे रिकवरी करने में, जबकि कोई आमदनी का साधन भी नहीं रह गया है। इस बारे में मैं उन व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिनके साथ इस तरह की अनहोनी घटना जो बड़ी ही दुखद पूर्ण है हुई है, बट होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब हमें उन समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा ताकि आगे से उस परिवार की आजीविका, उस व्यक्ति के जो निवेश के पैसे थे वो रिकवर हो जाए, बीमा के पैसे उनके निकल जाएं, प्रॉपर्टी में जो पैसे लगे हुए थे वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं, अगर किसी को उधार दिया उधार के पैसे वापस आ जाएं, लोन दिया तो लोन के पैसे ब्याज समेत या तो चलते रहें या वापस आ जाएं, और जब ये पैसे वापस आ जाएं तो हम उनको एक सुरक्षित जगह पे, सिक्योर जगह पे, या जिस तरह का भी हमारे परिवार की प्लानिंग हो उस हिसाब से सुरक्षित तरीके से ऐसा रखें कि परिवार की आमदनी पहले के प्रकार से चलती रहे, जिसमें बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई से निमित्त भी अगर कोई खर्च आ पड़े तो वहां से उसका समाधान निकल सके। आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति अपने जीते जी भरसक चेष्टा करता है कि अपना आमदनी का जरिया एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस भी कर ले, प्रयास करता है। कई बार हम उसमें सफल होते हैं, कई बार हम सफल नहीं होते, परंतु ऐसा करने में भी सफल होने के बावजूद अगर हमने एक गलती की कि हमने हमारे परिवार को उसकी जानकारी नहीं दी और अंत में कोरोना काल ने उनको अपनी तरफ खींच कर ले गए और वह व्यक्ति स्वर्गवासी बन गया। आज हमें कुछ ऐसी जानकारी के बारे में मैं लोगों को बताऊंगा कि वह व्यक्ति के, उस व्यक्ति के जो निवेश के पैसे हैं वो किस किस तरीके से हम ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि क्या उनका पैन कार्ड था या नहीं था। अगर पैन नंबर है तो हम वहां से एक पैन का पासवर्ड जानकारी हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो पासवर्ड रीसेट करा जा सकता है। इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आती है कि क्या हमें हमारे परिवार के जीमेल का या और किसी भी पोर्टल पे उनका ईमेल आईडी हो तो उसका पासवर्ड है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो परिवार को उस इम्पॉर्टेंट ईमेल आईडी का पासवर्ड भी रखना चाहिए ताकि हम जगह जगह से उस ईमेल आईडी पे रीसेट पासवर्ड कर करके उनके इन्वेस्टमेंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, अगर वो पैन कार्ड था तो दूसरा प्रश्न आता है कि क्या उन्होंने कभी अपनी आईटीआर फाइल की या नहीं की। अगर आईटीआर फाइल की तो उस समय किनकी मदद ली थी, कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी एडवाइजर से उनकी मदद ली थी, तो हमें सबसे पहले उनसे संपर्क करना चाहिए। और एक प्रश्न यह भी पूछना चाहिए कि क्या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे हैं किसी सॉफ्टवेयर के अंदर में या नहीं। अगर मेंटेन हुए हैं तो वहां से भी हमें उनके सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो कि सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डेड हैं उससे हमें एक एक निवेश की जानकारी मिल जाएगी, भले ही वह निवेश 10 तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी में हो, 4 तरह का म्यूचुअल फंड हो, चाहे लोन के हो, चाहे प्रॉपर्टी की 5-7 प्रॉपर्टी भी उन्होंने खरीदी हो, किसी पे रेंटल इनकम आ रही है, किसी पे नहीं आ रही है, कहीं पे डिबेंचर्स हैं तो उनका ब्याज आ रहा है या नहीं आ रहा है, भले ही बॉन्ड हो, अगर पीपीएफ है तो पीपीएफ का ब्याज आ रहा है या नहीं आ रहा है, जीपीएफ है या बीमा पॉलिसी ऐसी है जिनसे एक सर्टेन इंटरवल पर उनके पैसे आ रहे हैं, उस तरह की सारी जानकारी हम इकट्ठी कर सकते हैं। इस बारे में मैं कुछ 2-4 चीजों पे याद दिलाना चाहूंगा कि शेयर्स के बारे में
हमें जानकारी शेयर एंड ट्रांसफर एजेंट से मिल सकती है उस कंपनी का, नहीं हो तो हम उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को भी अप्रोच कर सकते हैं, अन्यथा आईपीएफ अथॉरिटी है जहां पे अनक्लेम इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिल सकती है जो शेयर से रिलेटेड हो। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिस तरीके से आरटीए होता है उसी प्रकार होता है। इंश्योरेंस कंपनियों से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इनकी गिनती बहुत ज्यादा नहीं है। किसी को कुछ भी जानकारी नहीं हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम सारी कंपनियों के अंदर में भी हम मेल कर सकते हैं, और उसके बावजूद अगर कभी लगता है कि हमारे पास जानकारी है और वो जवाब नहीं आ रहा है तो हम इंश्योरेंस ओम्बड्समन के पास भी जा सकते हैं। अगर वह व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी करता था तो हम उस कंपनी के प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में या एचआर डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं। कारण क्या है कि प्रोविडेंट फंड के साथ साथ इंश्योरेंस भी होती है, कई उनको पता भी नहीं है। आज तक की तारीख में लगभग 7 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस का क्लेम वहां से भी मिल सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अगर कोविड से किसी की डेथ हुई है तो वो भी 50,000 रुपए देने का उन्होंने वादा किया है। हम वहां से प्रयास कर सकते हैं। अगर किसी कारण से हस्बैंड और वाइफ दोनों की मृत्यु हो गई हो और बच्चे छोटे हों, उनका आमदनी का साधन नहीं रह गया हो या उन बच्चों की शादी नहीं हुई हो तो उनके परिवार को पेंशन की स्कीम भी दिल्ली गवर्नमेंट ने करी है। इसी प्रकार दूसरे स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस तरह की स्कीमें जारी करी है, तो उनका लाभ भी हमें दिलाना चाहिए। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी या सीएमए है तो वहां से भी कुछ जगह पे 1.5 लाख, 2.5 लाख, कुछ के इंश्योरेंस भी है, टर्म पॉलिसी भी है, तो इनसे भी हमें जानकारी वहां से मिल सकती है। हमारे प्रयास होने चाहिए कि हम ऐसे परिवार की पूरी मदद करें, भले ही उनका एडवाइजर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हमारे परिवार में कोई भी सक्षम व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो उनको हमें पूरा गाइडेंस देनी चाहिए। इस बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि हमें सफिशियंट इंश्योरेंस लेना भी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हमारी आमदनी अगर 15 लाख रुपए अगर है सालाना, तो हमें कम से कम लगभग 15 गुना, तो आप मान लीजिए कि लगभग 2.25 करोड़ की टर्म पॉलिसी लेनी चाहिए। और जितने कम उम्र में लेंगे और ज्यादा से ज्यादा एज कवरेज होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए कि ताकि हम 70-75 साल तक की एज कवर्ड रहें। तो हमें उस इन केस किसी भी अनहोनी घटना का शिकार अगर हो जाए तो परिवार को उतने पैसे मिल जाएंगे, तो उससे 7% आज जो ब्याज की दर चल रही है उससे उस परिवार की आमदनी जिस प्रकार थी उस प्रकार से बरकरार रहेगी और कोई भी सपने पूरे होने से नहीं छूटेंगे। दूसरी बात, आज की तारीख में मेडिकल का खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमें उस मेडिकल के पॉलिसी भी अच्छी खासी ले लेनी चाहिए। फैमिली फ्लोटर कम से कम 5 लाख का लें और थोड़ा सा ज्यादा करें तो बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं लगती है। 20-25 लाख तक की ये मेडिक्लेम पॉलिसी विथ फ्लोटर हमें परिवार को ताकि पूरा बेनिफिट मिल सके इस प्रकार से जरूर लेना चाहिए। हम लोग बहुत बार फिक्स डिपॉजिट्स भी करते हैं बैंक में, एनबीएफसी में, या सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड के अंदर में, या कैपिटल गेन बॉन्ड्स के अंदर में भी करते हैं, तो वहां से भी हमें ब्याज की आमदनी हो सकती है और टैक्स सेविंग भी होती है। तो इन चीजों को हमें जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं कि अगर हमें कोई भी जानकारी नहीं है तो हमें उस व्यक्ति के ईमेल को टटोलना चाहिए, और कई कई बार अगर पासवर्ड नहीं हो तो हमें किसी एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर के पासवर्ड को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम परिवार को बता भी देते हैं, कई बार एक पेसेट पैटर्न होता है परिवार का, उसी परिवार का, ताकि उस पे इस बेसिस पे पासवर्ड की जानकारी हो जाए। अब आते हैं कि कुछ पुराने भी कागज हम इकट्ठे करते जाते हैं, समय नहीं होता है, जैसे फिजिकल शेयर है या इंटरेस्ट वारंट है या डिविडेंड वारंट है, लेकिन सर्टिफिकेट खो गए हैं, हमारा पता बदल गया है, तो उस तरह के कागज को भी टटोलना चाहिए और इसी तरीके से फेक नहीं देना चाहिए कि हमें जानकारी नहीं है। किसी एक्सपर्ट की एडवाइस इसमें जरूर हमें लेनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के अंदर में हम देखें क्या हमारे हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट का, डिविडेंड का, एसआईपी का, इंश्योरेंस का, या शेयर से रिलेटेड कुछ भी, तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार 26AS जो इनकम टैक्स के पासवर्ड डालने से हमें प्राप्त होता है, वहां से हमें बहुत तरह के इनकम की जानकारी प्राप्त होती है या पेमेंट की जानकारी भी हमें कई बार प्राप्त हो सकती है, तो उस तरह की जानकारी से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम एक अंगुली पकड़ के एक प्रयास करें तो सारे के सारे पैसे हमारे रिकवर हो सकते हैं।
एक विशेष बात पे यहाँ पे सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि सभी कोई एक विल जरूर बना करके रखें। आज की तारीख में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमने अपनों को 30, 32, 35 साल, 40 साल की उम्र में भी खोया है। मैंने अपने अजीब दोस्तों को भी खोया है जिनकी उम्र 32 साल, 35 साल, 50 साल के आसपास भी थी। तो ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, परंतु हमें इसके लिए तैयारी भी रखनी चाहिए कि कल को ऐसी घटना, दुर्घटना अगर हमारे परिवार के साथ या अजीज के साथ ऐसा हो जाए, तो अगर ये सावधानियां बरती जाएगी तो वह परिवार अपने पैसों से वंचित नहीं रहेगा। विल जरूर बनानी चाहिए और उसमें हमें जो भी ऐसे थे उसकी सारी डिटेल्स रख देनी चाहिए कि कौन सा पैसा कब किस व्यक्ति को देना है। और अगर नहीं होगा तो बाद में झगड़ा होता है, कई बार परेशानियां होती है, नहीं तो हमें बाद में सक्सेसर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। विल को प्रोबेट कराना इजी है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी कोई जो भी आज की तारीख में 45-50 की उम्र पार कर चुके हैं उनको तो विशेषकर बना करके दे ही देना चाहिए। इसमें आपका जो एडवाइजर है या इंश्योरेंस का कंसल्टेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपका जो पर्सनल अकाउंटेंट जो पुराने काफी समय से आपके साथ जुड़ा हुआ है वह भी काफी मददगार होगा। कई बार हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि IEPF, MP, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, अनक्लेम इन्वेस्टमेंट्स। कई बार सिर्फ और सिर्फ अगर हम सिर्फ नाम, पिताजी का नाम और पुराना पता भी बताएं और उसको वेबसाइट पे डालें तो उससे भी कई बार हमें नए इन्वेस्टमेंट की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। शेयर समाधान इस तरह की सारी समस्याओं के लिए लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं का समाधान देने के लिए आज खड़ा था, आज भी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। आज की तारीख में फोन के ऊपर हम मुफ्त सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी को पूरी वर्किंग करवानी है तो हमारे एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं ताकि उनका एक भी पैसा ना डूबे। और आज के इस मुश्किल घड़ी में हर पैसा कीमती है, उस सारे पैसे पे उस परिवार का जिसका हक है उसका पूरा हक मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अभय चंडालिया आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज्यादातर लोगों को जानकारी दें ताकि वो स्वयं भी अपने प्रयासों से अपने खुद के पैसे निकलवा करके अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। अन्यथा हमारे नंबर्स आप नोट कर सकते हैं 8800332200 या www.sharesamadhan.com पर आप सर्च कर सकते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से हमने कई लोगों को इस मुश्किल घड़ी में मदद करके एक साथ दिया है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी परिवार अपने खुद के पैसे से वंचित हो। अगर कभी भी समस्या हो तो आप हमें संपर्क करें। आपका अपना शेयर समाधान परिवार। धन्यवाद।